सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश के उज्जवल पहाड़ों पर अपनी सुनहरी छाया डालती है। हमारा यात्रा उच्छा और रहस्यमयता के साथ शुरू होती है। हम अरुणाचल प्रदेश के शहर तेजू से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, जो प्राकृतिक महानता के गहरे आगोश में समाप्त होता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को डीडी अरुण प्रभा के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में। अंजाव जिला एक जगह, एक अनोखे जगह, जो अपना प्राकृतिक सौंदर्य, शांतिपूर्ण वातावरण और ऐतिहासिक कहानियों से प्रसिद्ध है। तो आइए दर्शकों, चलते हैं अंजाव जिले को और करीब से जानने के लिए। चलिए, अंजाव जिले के आश्चर्यजनक दृश्य के साथ जब हम उस ऐतिहासिक स्थान की ओर अपने पथ बनाते हैं, मार्ग पर हयुलियांग गांव है, जो यात्रियों के लिए स्थानीय स्वादों के साथ ठहरने और पुनर्जीवित होने का एक उत्तम स्थान है। हयुलियांग से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की खूबसूरती के बीच हमारा गंतव्य स्थान है। जब हम अधिक नजदीक आते हैं तो परिदृश्य एक ऐसे कैनवास की तरह खोलता है जिसे भगवान के हाथों ने रंगा है। महाद्वीपों के ऊंचाइयों के बीच हमारा गंतव्य स्थान सड़कों के माध्यम से साहस और रहस्य के साथ हमें लिए जा रहे हैं। पर्वत शांत चौकीदार की तरह उठते हैं, उनकी कटी हुई चोटियों ने आकाश की ओर हाथ बढ़ाया है, और वहां एक किनारे नदी लोहित धीरे धीरे बहती है। उसके पानी बलिदान की अतीत की कहानियों को बुनते हैं। प्राचीन राज्य और योद्धाओं के किस्से समय के करीबी गलियारों में गूंजते हैं, जो दृश्य में एक असमाप्त निशानी छोड़ देते हैं। हम इस खोज के सफर पर उत्साह और श्रद्धांजलि के साथ भरे हुए हैं। जी हां दर्शकों, हमारे गंतव्य स्थान यही है वालांग। दर्शकों, अरुणाचल प्रदेश के वालांग शहर में आपका स्वागत है, जहां इतिहास पहाड़ों के माध्यम से आपको बुलाते हैं। प्रत्येक पत्थर कहानी कहती है बलिदान और सहनशीलता की। अंजाव जिले के शांतिपूर्ण दृश्य में ऐतिहासिक वालांग के बीच वालांग युद्ध स्मारक खड़ा है, वीरता और बलिदान का एक दुखद प्रमाण। यह 1962 के भारत चीन युद्ध के चिंतन करता है, जहां 1000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण गंवाए। इस शहर में भारतीय जवानों की बलिदान की कई कहानी छुपे हुए हैं, और इन पत्थरों के बीच खड़े हुए ये स्मारक वही बलिदान की कहानियों को दर्शाते हैं। जैसे ही संघर्ष खुला, भारतीय सेना ने अपनी शक्तिशाली बल को तैनात किया, जिसमें प्रसिद्ध 24 कुमाऊं रेजिमेंट, 4वीं सिख रेजिमेंट, 4वीं डोगरा रेजिमेंट, 2/8 गुरखा रेजिमेंट और 3/3 गुरखा रेजिमेंट शामिल थे। ये बहादुर आत्माएं वीरता और सहनशीलता के भावनाओं को दर्शाते हुए महापराक्रम से लड़े और शहीद हुए। आज वालांग युद्ध स्मारक उनकी स्मृतियों का एक शांत स्मरण है, जिन्होंने अंतिम बलिदान किया। पूरे देश से पर्यटक आते हैं और इस युद्ध स्मारक में शहीदों को स्मरण करते हैं।
तथापि युद्ध के गर्जन के बीच और एक साहस की कहानी सामने आई। अरुणाचल प्रदेश के महिलाओं की निडरता के साथ हाथ में बंदूक लिए वो अपने भाइयों के साथ खड़े रहे। नामदी का युद्ध क्षेत्र 1962 युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण संघर्ष को संदर्भित करता है। नामदी के विकट भूमि और घने जंगलों ने तेज युद्ध और रणनीतिक चालों के लिए मंच का काम किया। अंजाव के गुप्त आश्रय में प्रकृति एक आश्चर्यजनक सौंदर्य का चित्र बनाती है। ऊंचे पर्वत गर्व से उठते हैं, उनके शिखर आकाश को छूते हैं। इस विशाल दिखावे में सुंदर गरिमा का प्रदर्शन होता है। धुंध में लिपते हुए और सूर्य की स्वर्णिम किरणों में स्नान करते हुए ये महान पोषक सम्मान और आश्चर्य का आदेश देते हैं। जैसे ही आप इस उच्च भूमि में चलते हैं, पाइन वृक्षों की घनी पत्ते हवा में सरकती हैं और उनकी सुगंध आसमानी वातावरण में गुलाबी हो जाती है, जैसे प्रकृति की गोद में आपको स्वागत करते हैं। घाटियों में बदलती दृश्यता स्वर्णिम घासों की कारपेट की तरह आपके सामने परस्ता है। हर मोड़ पर दृश्य रंगों और शैलों की तरह एक कैलिडोस्कोप में खुलता है। पहाड़ों और पेड़ पौधे की जीवंत रंगों से लेकर चट्टानों की खूबसूरती तक प्रत्येक दृश्य एक प्राकृतिक कला की गवाही होती है। वालंग से हमारी यात्रा अब किबीथू की ओर होती है, जो अंजाव जिले के अंतिम सीमा स्थल पर स्थित है। यह अन्नदाय और अत्यंत प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब गांव जो हिमाचल के बीच विकसित हुआ है। वालंग से निकलने के बाद हम लोग थोड़ी ही देर में किबीथू पहुंचेंगे, तो दर्शकों आइए हमारे इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनिए। आइए हम वालंग से निकलते हैं और उसके प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हुए किबीथू की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे यात्रा नदी, झील और उच्च पर्वतों के बीच से गुजरती है, जिनकी शांति और प्राकृतिकता हमें मोह लेती है। वालंग और किबीथू के बीच की सड़क एक प्राकृतिक रमणीयता का अद्भुत है। इस अद्वितीय दृश्य का हिस्सा बनते हुए सड़क के दोनों ओर उच्च पहाड़ी ऊंची खामोशियों में खड़ी है। हरे नीले रंग की नदी सड़क के किनारे धीरे धीरे बहती है। किबीथू पहुंचते ही हमें उसके अनूठे वातावरण और स्थानीय जीवन शैली का अनुभव होता है। यहाँ के स्थानीय लोगों की सादगी और स्वागत हमें प्रभावित करते हैं। किबीथू अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कोने में स्थित एक छोटा सा वाइब्रेंट गांव है, जिसका महत्व भारत चीन सीमा के निकट स्थिति होने के कारण बढ़ जाता है। पूर्वी हिमालय के दूरतम क्षेत्रों में, जहां सूरज पहले भारतीय उपमहाद्वीप को छूते हैं, वही किबीथू स्थित है। किबीथू ना केवल एक सौंदर्य से भरा हुआ एक जगह है, भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। किबीथू की यात्रा एक साहसिक अनुभव है, जो हमें ना केवल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद देती है, बल्कि हमें भारतीय सेना की सख्त सुरक्षा और किबीथू के ऐतिहासिक महत्व को समझने का अवसर भी प्रदान करती है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भारतीय सेना की तंग सर्विलियंस भी होते हैं, जो सीमा क्षेत्र की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाती है। किबीथू में घूमते हुए अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह शांत गांव मुझे तत्परता से आकर्षित करता रहा। ऊंचे पहाड़ों पर हरियाली से भरे वन, पारदर्शी नदियों की धीरज से बहना
और जीवन फूलों ने प्रकृति को हरे भरे और सोने के रंगों में रंगना ये एक अद्भुत दृश्य था। तो प्रेम जी पहले पहले धन्यवाद, आप समय निकाल के हम लोग के बीच आए, इसीलिए हम लोग जानना चाह रहे थे कि किबिथो का इंट्रोडक्शन आप थोड़ा दीजिए, किबिथो के बारे में थोड़ा बोलिए सर। सर सबसे पहले मैं आप और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतने दूर से इस किबिथो को देखने के लिए आए। तो मैं अपना ये किबिथो का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। किबिथो एक छोटा सा गांव है, छोटा सा पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो जो बेसिकली यहाँ पर रहने वाले जो है मियो ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर मियो ट्राइब है। और सिर्फ मेवाड़ी है और कोई दूसरा? जैसे अभी मैं आपको बताया कि मियो ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मियोरी है और बाकी गोरखास लोग है। गोरखास लोग डेली वेजेस सिस्टम में काम करते हैं, उन लोग जो सिडू ट्राइब जो APST के नाम से जाने जाते हैं वो मियो ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं और मियो ट्राइब ही यहाँ के परमानेंट सेटलमेंट है। अच्छा, और ये जो मियो ट्राइब है, मियो ट्राइब के सभी लोग यहाँ में, उनका जीविका क्या है, वो उनका मतलब वो अर्निंग सोर्स क्या है? अर्निंग सोर्स वैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से जो भी इनकम होता है उसी से रोज़मर्रा अपना चलाते हैं। प्लस जो डिफेंस है यहाँ पर, जैसे आर्मी है, ITBP है, जितने भी यहाँ के यूथ लोग हैं वहाँ पर उन लोग पोर्टर के तौर में काम करके जितने भी यूथ है अपना सोर्स ऑफ अर्निंग कमाते हैं। जी, टूरिस्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, टूरिस्ट यहाँ में क्यों आना चाहिए टूरिस्ट को? जैसे ये अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी द्वारा प्रमोट किया हुआ है, इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे यहाँ पर टूरिस्ट के लिए जो आपके सामने में, जैसे आप आगे देखेंगे तो आपके सामने में चमगादड़ का देश है जहाँ पर हमारा LAC है। तो उस LAC को देखने के लिए भी हमारा टूरिस्ट आते हैं। और आगे में जैसे आते समय आपको मिला होगा जनरल बिपिन रावत द्वार, जो उसको भी देखने आते हैं। तो अभी हमारा प्लानिंग चल रहा है डिफेंस के साथ में कि आगे तक ट्रैकिंग ले जाने के लिए, जहाँ पर इससे आगे हमारा एक कंडाव लेक है उसके बारे में प्लानिंग चल रहा है। तो जैसे डिफेंस के साथ में हमारा अप्रूवल मिल जाएगा तो हम टूरिस्ट को इन्फॉर्म करेंगे और टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चमगादड़ का देश सामने है। हाँ। तो नज़दीक में है, जितने भी गांव हैं सामने सामने है, तो चारों तरफ से आपका डिफेंस से घिरा हुआ है, बीच में बस्ती है। तो वैसे हमको कोई चिंता नहीं है चमगादड़ देश से। तो चमगादड़ देश नज़दीक होने के बावजूद भी जो हमारे यहाँ की सेना है, ITBP है, तो हमारे लिए ढाल की तरफ बनकर खड़े हैं। तो हम निश्चिंत हैं, हमारे मन में कोई डर नहीं है। तो डर मतलब इसलिए नहीं है कि हमारे आगे सेना और ITBP ढाल की तरफ बन के खड़े हैं। जैसे अभी आप जस्ट आपको आते समय जनरल बिपिन रावत द्वार आपको मिला था, तो जनरल बिपिन रावत उनका देहांत किस तरह से हुआ वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब हमारे भारतवर्ष को पता है। तो उन्होंने यहाँ पर इस लोकेशन पर सर्व किया था, अपना कंट्रीब्यूशन इस लोकेशन पर दिया था। जैसे आपको आगे में चमगादड़ देश के सामने में वहाँ पर हमारा बॉर्डर पोस्ट मीटिंग है, तो उनका ही योगदान है वो खोलने में, जनरल बिपिन रावत साहब का। तो जहाँ जहाँ जनरल बिपिन रावत साहब ने अपना सर्व किया था, अपना योगदान दिया था, उनके मेमोरी में ही, मेमोरी के तौर पर ही उनको जानने के लिए जैसे द्वार के नाम से, बिपिन रावत द्वार के नाम से खोला गया है, तो उसको देखने के लिए भी हमारे टूरिस्ट लोग काफ़ी अट्रैक्शन होते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। किबिथो में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मेरा भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान नए ऊंचाई तक उड़ा। कुछ सैनिकों के साथ बातचीत करते समय मुझे उनकी विनम्रता, साहस और निस्वार्थता का गहरा प्रभाव हुआ। किबिथो से लोहित नदी के उस पार स्थित एक गांव है। यह गांव क्षेत्र में सबसे रोचक स्थानों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, जिससे उसकी अनूठी खूबसूरती और मोहकता के लिए जाना जाता है। शानदार पहाड़ों और शांत वातावरण के बीच स्थित ये एक ऐसा स्थान है
जहां सरलता और महत्व समुदाय जीवन की समृद्धि के साथ मिला हुआ है, जो यहां आने वाले लोगों को एक नई दुनिया का झलक देता है। अरुणाचल प्रदेश के दूर के क्षेत्रों में चीन के सीमा के करीब हरित पहाड़ों और घाटियों में छिपा हुआ है चित्र सौंदर्य से भरा गांव काहो। ये दूरस्थ बसा हुआ गांव सभी भारत में सबसे पूर्वी गांव का दर्जा रखते हैं, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण भूमि को छूता है। दर्शकों, किबिसु से आने के बाद अभी हम उपस्थित हुए हैं भारत के एक मॉडल विलेज में, जिसका नाम है काहो। और ये काहो गांव का ये विशेषता है कि ये गांव भारत के सबसे अंतिम पूर्वोत्तर गांव है। काहो शांतिपूर्ण सौंदर्य और शांति का स्थान है, जो आधुनिक जीवन के दौर भाग से अनछुए है। ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एक जगह, ये गांव एक ऐसी दुनिया का झलक दिखलाता है जहां समय ठहर जाने का एहसास होता है। वो जो भूरे रंग के पहाड़ हम देख रहे हैं, वही भारत चीन के एलएसी है। और उस पहाड़ के पास छोटे चावल की धाराओं की तरह जो हम देख रहे हैं, वही चीन है। काहो के निवासियों को मेवार जनजाति के अंदरूनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उनके बुद्ध धर्म समुदाय को एक गहरे धार्मिक और सामाजिक संबंध के साथ जोड़ता है, जिससे वो अपने जीवन का महत्वाकांक्षी और सात्विक मार्ग चुनते हैं। काहो से निकलने के बाद बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचेंगे एक जगह जिसका नाम है दोंग। दोंग घाटी एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जहां बहुत से लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। दोंग घाटी की सुंदरता आपको मन मोहित कर देने वाली है। पाइन पेड़ों से भरी जंगल और महान पर्वतों की आभा आपको बिल्कुल प्रभावित कर देंगी। यहाँ की हवा ताजगी भरी और स्वस्थ है और आप पक्षियों की मीठे गाने सुन सकते हैं। साथ ही हाइकिंग, कैंपिंग और प्राकृतिक खोज में जाने जैसी बहुत सारी मजेदार चीजें करने के लिए यह जगह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। दोंग घाटी में रात बिताकर और लगभग 1.5 घंटे की हाइकिंग करने के बाद यात्री पहले सूर्योदय का आनंद भी लाभ कर सकते हैं। वालंग के स्थानीय पुलिस आउटपोस्ट में एक पर्यटक सहायता डेस्क है, जो यात्रियों के सेवा के लिए हर पल तैयार है। वालंग का सैन्य आधार, जो दूरस्थ हिमालयी लेप तक फैला हुआ है, भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण है। ये उत्कृष्ट रखवाली देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें युद्ध स्थल के प्राकृतिक परिसर का लाभ उठाने के लिए समृद्ध योजना है। सैनिक ढाल के रूप में खड़े होते हैं, जो नागरिकों को सुरक्षा और कल्याण के सुनिश्चित करने के लिए दिन और रात काम करते हैं। उनका निस्वार्थ सेवा एकता और सहनशीलता की भावना को जीवंत करती है, सैनिकों और स्थानीय समुदाय के बीच एक अटूट बंध बनाती है, जिससे वालंग के शानदार दृश्य में शांति और सुरक्षा प्रमुख बनी रहती है। हमारे ये सफर अब समाप्त होने को है। लोहित नदी की धारा के साथ मैंने यात्रा की शुरुआत की। उस नदी के साथ चलते चलते हर कोने में नए दृश्य खुलते गए, हरा भरा जंगल, प्यारे गांव और कठिन पहाड़। हम जीवन के लिए अनमोल यादें साथ लेकर इस सफर को अंत करते हैं। ये पल हमेशा के लिए हमारे दिल में बसेगी। अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच हर पल हमें खुद को खुद के साथ जोड़ने का मौका मिला। हम उन स्मृतियों को समेटे हैं
और उन्हें अपने व्यक्तिगत सफर में साथ लेकर जाते हैं, जानते हुए कि अरुणाचल प्रदेश की सुंदरता और उसके लोगों की वीरता हमें हमेशा याद रहेगी। दीदी अरुण प्रभा के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, लेकिन इन यादों की कहानियां हमेशा हमारे दिल में गूंजती रहेगी।